हैं फ्रेशर्स के लिए, तो उसकी मैं डिटेलिंग आपको कर देता हूँ। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बताऊंगा, फिर हम स्प्रेड पे चलेंगे। स्प्रेड क्या है, स्प्रेड की रिक्रूटमेंट क्या है। HPCL रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, 100 पोस्ट इसकी है, फ्रेशर एलिजिबल है, ग्रेजुएट एलिजिबल है। लास्ट डेट इसकी रहेगी 14/1/2023 और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रहने वाला है आपका कैसे, डायरेक्ट जो इंटरव्यू रहता है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन यहाँ सामने है, पूरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी, अप्लाई का लिंक है, सब कुछ है। मेन जो आज का मुद्दा है, आज की जो जॉब है, वो है हमारी स्प्रेड की। तो स्प्रेड का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारी वेबसाइट पे, स्प्रेड का ही मैं आपको बताता हूँ। बाकी LNT में भी रिक्रूटमेंट है, लार्सन टुब्बो में, तो उसमें हम मेन सीखेंगे कि क्या क्या कंपनी रिक्वायरमेंट रखती है किसी इंजीनियर से। तो यहाँ हम चलते हैं नीचे, यहाँ हमें मिलेगा इसका लिंक, जो हमें मेन हमारा मुद्दा है आज का। ये नोटिफिकेशन पे हमने क्लिक किया तो स्प्रेड जो है उसके करियर ऑप्शन पे हम पहुंच गए। यहाँ पे आपको हर किस्म की जॉब मिलेगी, हर टाइप की जॉब आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और मैं क्लियर आपको कर दूँ, कोई भी रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, किसी को आपको पे नहीं करना है। जो फ्री में जॉब रहेंगी उनके लिए अप्लाई कर लेना। एजुकेशन कोई भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 0 से 1 साल का मांगा है। कंपनसेशन आपका 84,000 से 1,40,000 पर ईयर हिसाब से रह सकता है। देखो सैलरी स्टाइफन नहीं बोलूँगा मैं, सैलरी के हिसाब से आपको लिया जाता है। आपका कोई भी करियर ऑप्शन है इनमें से आप चूज कर देख सकते हो, आप कोई भी चूज करो उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये बेसिक जॉब थी हर एक के लिए। हमारा मुद्दा है सिविल इंजीनियर का है, तो सिविल इंजीनियर का पहले आर्किटेक्ट का देख लेते हैं। अगर आपने एजुकेशन बैचलर आर्किटेक्ट की है जहाँ उसके इक्विवेलेंट 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी 2 लाख से 3.5 लाख पर ईयर के हिसाब से रहेगी, आपकी लेंथ और एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस पे। देखो आपको नॉलेज होना चाहिए आर्किटेक्चर का, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का, प्रोफिशिएंट आप, मतलब आपकी प्रोफिशिएंसी किसमें होनी चाहिए, ऑटोकैड आपको आनी चाहिए, स्केचअप आपको आना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग आप कर सको, एक्सीलेंट टीम लीडर हो और सुपरवाइज कर सको साइट को। और देखो लोकेशन की मर्डर है, अहमदाबाद में मर्डर जगह है, वहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा। और एक अच्छे मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर आपको बना दिया जाएगा अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे। आपको बोर्डिंग और लोडिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो इनका स्प्रेड का हॉस्टल भी है वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी दी जाने वाली है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है सिविल इंजीनियर की, डिप्लोमा या डिग्री आपकी होनी चाहिए। 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा जा रहा है। 1,40,000 से 2,80,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। आपको देखो जो साइट है अभी 24/7 वहाँ रहना है, मतलब वहीं साइट पे नहीं खड़े रहना, वहाँ आपका जो रहने खाने का वहीं होगा। और आपके पास 2-व्हीलर होनी चाहिए। और देखो बोर्डिंग, बैचलर रोडिंग, पेट्रोल, मोबाइल इंटरनेट, वो सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की, वहाँ पे आपको मल्टीटास्कर वर्क टास्क का काम करना पड़ेगा। फिर आपको इंग्लिश वगैरह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, GK, कंप्यूटिंग डेस्क, ये सब चीज़ें आपसे मांगी हुई हैं, तो कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं की है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं लाइसेंसिंग ऑफिसर और PR ऑफिसर, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ये भी अच्छी एक जॉब है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो स्प्रेड का मेरा कहने का ये मतलब था आपके लिए कि एक अच्छी संस्था है, NGO है कोई, मैं इसकी ना प्रमोशन कर रहा हूँ ना कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ आपके लिए, मैं नए ना ढूंढता रहता हूँ। जैसे मैंने AICT के लिए आपके लिए आया था, YouTube को आपको कहीं नहीं मिलेगा कि AICT भी इंटर्नशिप करवाते हैं, तो आपके लिए वो ढूंढ के लाया था। वैसे स्प्रेड का मैंने ढूंढा आपके लिए, इंटर्नशाला है और भी जो भी इंटर्नशिप मैं करवा सकता हूँ आपको अपने दम पे, वो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उसके लिए बने रहो। अभी हम चलते हैं LNT पे, मेन चीज़ और भी मैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है 2 कंपनी में उनके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मेन मुद्दा जो आज मेरा है वो आपको गाइडेंस का था, तो गाइडेंस में देता जाऊँगा। LNT में चलते हैं, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब है, लेकिन मेन क्या आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कंपनी रिक्वायरमेंट क्या रखती है आपसे। तो हम सॉरी अप्लाई पे क्लिक कर दिया मैंने, अप्लाई का भी थोड़ा मैं बता दूँ, इनमें लॉगिन करना पड़ता है आपको, डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। लेकिन देखो कोई भी जॉब आती है ना उसको कंप्लीट देखा करो कि क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, उसकी हेल्प से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो ये जो जॉब है सिविल एंड स्ट्रक्चर की रहेगी, वडोदरा में जॉब है, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मेन चीज़ हमें देखना है कि आना क्या चाहिए। देखो आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा वो देखो, आपको तो पहले जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उनका नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको रिव्यू करनी रहेंगी ड्राइंग्स,
3D मॉडल जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो आपको RC और स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, भले वो ऑयल गैस रिफाइनरी पेट्रोलियम में हो, उसके लिए आपको स्टैड आना चाहिए, ठीक है, स्टैड को MS ऑफिस आना चाहिए, और भी जो सॉफ्टवेयर डिमांड रहेगी वो आनी चाहिए, 3D मॉडलिंग वर्क आपको करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें कंपनी रिक्वायरमेंट रखती है, तो आपको इससे आइडिया लगता है कोई भी आप जॉब होगी तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर का पता चलता है, स्किल का पता चलता है कि आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। फिर मैं जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पहले तो जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो है BCPL में, फिर इसरो में, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट शायद मैं आपको बता चुका हूँ, पहले एफकॉन में थी रिक्रूटमेंट, इकॉनसम में थी, तो इसकी मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ। बाकी वेबसाइट पे सब जॉब है, आप जाइए और खुद जाके देख सकते हो, लेकिन ये देख लीजिए ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये निकल के आ रही है BCPL में, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड में। ये बच्चों को फ्री में मौका देते हैं सीखने का, 86-85 पोस्ट हैं ग्रेजुएट के लिए और डिप्लोमा के लिए 36। तो आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस टोटल इनका क्या रहता है, मेरिट बेसिस रहता है, ना आपका एग्जाम होता है, ना इंटरव्यू, ना आपसे कोई फी ली जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। सैलरी आपको एज ए स्टाइफंड 13,800 दिया जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए NETS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी रहती है। यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट का नोटिफिकेशन और अप्लाई करना चाहिए, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अप्लाई कर लेना। फिर वैसे इसरो में ये फ्री ट्रेनिंग आपकी रहेगी, जिसमें ना आपका एग्जाम रहेगा ना कुछ रहेगा। 43 पोस्ट हैं, 13 ग्रेजुएट के लिए है, डिप्लोमा के लिए 30, 11-1 लास्ट डेट है, शायद इसकी लास्ट डेट आज ही है, तो आज इसके लिए अप्लाई कर लेना, लास्ट डेट है इसकी। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहता है, इसका वेबसाइट नोटिफिकेशन अप्लाई का लिंक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ हर चीज़ का, आप इजिली जाके हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। जो भी जॉब ढूंढनी रहेगी, बाई चांस अगर नहीं मिलती है, यहाँ सर्च करना जो भी जॉब है, BSNL हम सर्च करते हैं, तो BSNL के रिलेटेड जो भी जॉब होगी यहाँ शो हो जाएगी। तो कोई भी जॉब आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ सर्च करना, बाकी नहीं तो आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब।